आज मैं बनाने वाली हूँ प्रोटीन और आयरन से भरपूर बहुत ही टेस्टी और इजी लड्डू। तो बहुत बनाना इसको आसान है और खाने में इतना टेस्टी लगता है कि बड़े और बच्चे दोनों को काफ़ी पसंद आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, रानी किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है मूंगफली। तो 2 कटोरी हमने मूंगफली लिया है और इसको ना मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए अच्छे से इसको रोस्ट कर लेना है। मैंने इसमें घी या तेल किसी चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो गणेश चतुर्थी का समय चल रहा है फ्रेंड्स इस समय, और बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं। तो गणेश जी को ना मोदक के साथ साथ लड्डू भी काफ़ी प्रिय हैं। तो आप अलग अलग तरीके से लड्डू बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये सिंपल और आसान सी लड्डू की रेसिपी है जो आप घंटों का काम मिनटों में करके तैयार कर सकते हैं और खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देखिए ना, मूंगफली को हमने यहाँ पे रोस्ट कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा मखाना था मेरे पास, तो इसको भी हमने रोस्ट कर लिया है। आप इसके बिना भी बना सकते हैं। तो मूंगफली को ना हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था। जब ठंडा हो जाता है इसका छिलका हम निकाल करके अलग कर लेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत छिलका रह जाएगा तो कोई बात नहीं, पर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि सारा छिलका इसका निकाल लें, तभी हमारा लड्डू टेस्टी बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने ना छिलका पूरा उतार लिया है। अब यहाँ पे मिक्सी का जार लिया है, इसमें ना हम मूंगफली को डाल देते हैं। अब इसमें जो हमने मखाना रोस्ट करके दिया था, बस इसको इसमें डाल देना है। कम घी तेल में आप इसको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे गुड़ को ना हमने काट लिया है, तो ये देसी घी गुड़ है। आप मार्केट वाला गुड़ भी ले सकते हैं जो वाइट वाइट कलर का आता है, तो उसे भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं लड्डू बनाने में। तो इसको डाल देते हैं। तो मीठा ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इस टाइम पे इलायची पाउडर अगर पसंद है तो उसको भी डाल सकते हैं। गुड़ की जगह आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो चीज़ें आपको पसंद हो उसको आप इसमें ऐड करें। तो ये देखिए अच्छे से ना गुड़ की वजह से ये बंधने लगा है, पर लड्डू तो थोड़ा सा घी डालने से ही अच्छा लगता है, टेस्टी बनता है। तो थोड़ा सा हम ना घी मेल्ट करके इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 चम्मच के लगभग घी को मेल्ट किया है, पर पूरा घी इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 3.5 चम्मच के लगभग डाल दिया है, क्योंकि पहले हमने जो लिया था तो बिना मेल्ट का था, तो हमने 3 चम्मच का इस्तेमाल किया है। मेल्ट होने के बाद थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है घी की। तो यहाँ पर ना डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप अगर घी नहीं पसंद करते हैं तो बिना घी के भी लड्डू बिल्कुल आसान तरीके से आप बना करके तैयार कर सकते हैं। अगर आप चीनी वाला बनाते हो तो आप थोड़ा सा उसमें ना घी ज़्यादा लगता है, गुड़ वाले में थोड़ा सा कम लगता है। तो आप इस तरह से बना करके ना बच्चों को भी आप बिल्कुल आसान तरीके से बना कर खिला सकते हैं, और गणपति पर भी आप गणपति भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिश्रण बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसके ना छोटे छोटे लड्डू बना लेते हैं। तो लड्डू अपने मनपसंद साइज से बना सकते हैं, थोड़े से छोटे या बड़े, आपको जैसा भी पसंद हो। तो इस तरह से दबाते हुए बिल्कुल आसान तरीके से बन जाता है फ्रेंड्स। ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू बन के तैयार हुआ है। तो इसी तरह से ना बाकी लड्डू को हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको भी काफ़ी पसंद आएगा। जिस लोगों को ना लड्डू बनाना नहीं आता है, तो आप भी इस तरह से एकदम डायरेक्ट मिक्सी के जार में डाल करके आप इस तरह से लड्डू बना करके तैयार कर सकते हैं। है ना बिल्कुल इजी तरीका लड्डू बनाने का, और काफ़ी हेल्दी भी है ये लड्डू। खाने में भी तो इतना टेस्टी लगता है फ्रेंड्स कि आप इसको ना बार बार बना करके आप इसको रखेंगे और खाएँगे। तो आप इस गणपति और इस त्यौहार इस लड्डू को ज़रूर ट्राई करें। और आज की रेसिपी ना आपको कैसी लगी आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो मैं आपको एक लड्डू भी तोड़ के दिखा दे रही हूँ। ये देखिए इतना सॉफ्ट और इतना बढ़िया बना है ना कि आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। धन्यवाद।